गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज नंबर 15.1। एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Okay, number one, probability of an event E plus probability of the event not E is equals to। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई एंड नॉट ई, जिसे हम पी ऑफ ई डैस से सॉ करेंगे, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट that cannot happen is 0। The probability of an event that cannot happen, कभी बने ही नहीं हो ऐसा इवेंट हो, ओके। मैंने आपको बताया था sun rises in the west, impossible, okay? So such an event is called impossible event, जिसे हम क्या बोलेंगे, impossible event बोलेंगे। नंबर थर्ड में हमें कहा है, the probability of an event is certain to happen is 1। Certain means confirm है, होगा ही। The sun rises in the east, the sun set in the west, ये confirm है। तो ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, the sum of the probabilities, the sum of the probabilities of all the elementary of all the elementary events of an experiment is 1। यानी जितने भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स हैं उनका अगर हम सम करेंगे तो उनका सम कितना आएगा फ्रेंड्स, 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the probability of an event is greater than or equal to
ज़ीरो। कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी उस इवेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, ज़ीरो के इक्वल अथवा तो उससे ग्रेटर। एंड लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू वन, ठीक है। यानी दूसरी वैल्यू कौन सी होती है, लेस देन वन एंड इक्वल टू वन। यानी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ज़ीरो एंड वन के मिड में होगी, और ज़ीरो और वन भी इसमें इंक्लूड होंगे। ओके तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स बतानी थी। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम यदि डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो उसके फेस पे हमें शो करता है। देन अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन पे हेड और टेल जो हमें आउटकम्स मिलते हैं वो क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके तो देन हमें क्या पूछा गया है कि नीचे के जो 4 कंडीशंस हैं उसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नहीं। ओके देखिए, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। ड्राइवर कार स्टार्ट करने का अटेम्प्ट करता है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। कार या तो स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, इट इज़ नथिंग ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। बिकॉज जो ड्राइवर है, अगर वो कोई बच्चे को अगर आप ड्राइवर सीट पे बिठा दें और कार चालू करने के लिए दे, तो क्या कार चालू कर पाएगा। देन अगर किसी को ड्राइविंग नहीं आती उसको कार चालू करने दे दें तो इस कंडीशन के अंदर ये यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ड्राइवर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। जो प्लेयर है वो बास्केटबॉल में बास्केट अटेम्प्ट करने का ट्राई करता है। ओके सी और ही शूट्स और मिस द शूट। यानी या तो बास्केट में डाल देता है तो नहीं डालता है। तो देखिए ये भी प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। देन अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन का हमने एक टेस्ट रखा, या तो आंसर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो नॉर्मल है बेटा कि आप जब टेस्ट दे रहे हैं तो हम देते हैं ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। सो इट इज़ अ इक्वली लाइकली आउटकम्स। देन अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ बॉय और अ गर्ल। जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो या तो बॉय होता है या तो गर्ल होता है। सो इट इज़ ऑल्सो इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके देन क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडरिंग टू बी अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम होती है जब स्टार्ट होती है, दोनों टीम को बुलाया जाता है कैप्टन्स को और टॉस किया जाता है। अब जिस टीम ने टॉस वॉन किया ओके वो पहले गेम स्टार्ट करेगा। तो हमें ये पूछा है कि ये टॉस ही क्यों किया जाता है, क्योंकि टॉस के अंदर 2 आउटकम्स होते हैं बेटा। टॉस में जो कॉइन होता है 2 आउटकम्स होते हैं, हेड एंड टेल। ओके और ये कैसे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, यानी ये किसी के भी फेवर में जा सकता है। ओके तो इक्वली लाइकली आउटकम्स होने की वजह से टॉस करके डिसाइड किया जाता है कि गेम कौन सी टीम स्टार्ट करेगी। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नंबर 1 2/3, नंबर बी -1.5, नंबर सी 15%, देन नंबर डी 0.7। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था
की प्रॉबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, 0 to 1 के मिड में होती है, कभी भी माइनस में नहीं जाती है। तो यहाँ पे लिखा है ना कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, ओके, तो हमारे आंसर में आएगा ऑप्शन बी -1.5। कभी भी ऑप्शन के आंसर लिखना हो तो जो भी हो बी होता है बी लिखिए और उसके बाद में उसका आंसर शो कीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें क्या बोला गया है कि पी ऑफ ई की वैल्यू हमें 0.05 दी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मालूम है पी ऑफ ई, देन पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू हम शो करेंगे 0.05 प्लस पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1, देन पी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.05, सो पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 0.95। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको, क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंटेन 1 lemon-flavored candies only, यानी एक बैग के अंदर केवल लेमन फ्लेवर की कैंडी है। ओके, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू द बैग। What is the probability that she takes out an orange flavored candy then second a lemon flavored candy friends ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडी है, तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स हमें दिए हुए हैं 1। ओके, अब नंबर 1 में हमें दिया हुआ है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ओके, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि कहीं भी हमें ऑरेंज कलर की कैंडी दी नहीं है, तो इसका जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स ओके अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन नंबर टू के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ओके, तो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बेटा हमारे पास में, 1, क्योंकि लेमन फ्लेवर की कैंडी ही है बैग में। मालिनी अगर बिना देखे लेती है तो भी लेमन फ्लेवर की कैंडी ही आएगी, न कि ऑरेंज कलर की। तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड्स,
वन होता है। तो यहाँ पे ज़ीरो और वन इसके आंसर्स हैं। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें क्या है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू हमें 0.992 दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमें क्या पूछा है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, ये हमें फाइंड करना है। ओके, ये हमें फाइंड करना है पी ऑफ ई। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू वन। सो पी ऑफ ई प्लस 0.992 इज इक्वल्स टू वन। सो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू वन माइनस 0.992। सो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0.008। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर एट में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर एट में हमें बोला गया है कि हमारे पास में कितनी हैं, रेड बॉल्स हैं थ्री, देन ब्लैक बॉल्स हैं फाइव। तो टोटल बॉल्स कितनी हुई हमारे पास में, एट हुआ। कितना हुआ, एट हुआ। अब हमें क्या पूछा है कि रैंडमली हम उसमें से एक बॉल चूज करते हैं। ओके, तो वो क्या हो, रेड हो। ओके, रेड हो। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे पी ऑफ ई फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट लिखा जाता है, आप इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, टोटल आउटकम्स। ओके, फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास में, थ्री हैं, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, फाइव। इट इज़ अवर आंसर। सेकंड में हमें पूछा है नॉट रेड, नॉट रेड। सो पी ऑफ ई डैश इज इक्वल्स टू वन माइनस पी ऑफ ई, पी ऑफ ई। सो वन माइनस थ्री अपॉन फाइव। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, फाइव वनजा फाइव माइनस थ्री, सॉरी टोटल आउटकम्स हमारे पास में कितने हैं, एट हैं। यहाँ पर एट लिखिए तो यहाँ भी कितना आएगा, एट आएगा। देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास में, एट हैं। ओके, सो एट वन ज़ा एट माइनस थ्री अपॉन एट इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर आ जाएगा फाइव अपॉन एट। ओके फ्रेंड्स, तो आज एक्सरसाइज 15.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8 लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सम्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।